शहर में कोरोना मरीजों को पर्याप्त व्यवस्था को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने मनपा को 11 कोविड केयर कोच दिए हैं। इससे मनपा प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मेरे, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। कोरोना महामारी से जारी जंग में मनपा को अब रेलवे का भी साथ मिला है। रेलवे ने 11 कोच की नॉन एसी रैक और एक अतिरिक्त कोच उपलब्ध कराए हैं, जो अजनी के इनलैंड कंटेनर डिपो परिसर में रखे गए हैं। इन्हें रविवार 2 मई को रेलवे विभाग ने मनपा को सौंपा। इन कोच का उपयोग मनपा द्वारा उन कोरोना मरीजों के उपचार के लिए किया गया जिनके पास होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है। हालांकि मनपा सूत्रों के मुताबिक मनपा आयुक्त व अन्य अधिकारियों के निरीक्षण के बाद ही इन कोच का मरीजों के लिए उपयोग तय होगा। वैसे रेलवे विभाग के मुताबिक मनपा के आला अधिकारियों के निर्देशानुसार अपेक्षित इंतजाम किए जा चुके हैं तथा अब यह कोच उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यह कोच कोविड केयर सेंटर के रूप में उपयोग किए जाने हैं। उपलब्ध कोचों का उपयोग मंडल रेल प्रबंधक, नागपुर मंडल, मध्य रेल और आयुक्त मनपा के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार होगा। मध्य रेल के महाप्रबंधक आलोक कंसल ने मंडल रेल प्रबंधक नागपुर को निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सहायता क्षेत्रीय निकाय को प्रदान की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह रेलवे और महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त प्रयास है। चिकित्सा आपूर्ति, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव के लिए रेलवे द्वारा एक अतिरिक्त कोच उपलब्ध कराया गया है। शेष 11 कोच का कोविड केयर सेंटर के रूप में उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक कोच में 16 मरीज अर्थात एक कंपार्टमेंट में 2 मरीज की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कोच में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर स्टैंड के साथ उपलब्ध है। प्रत्येक खिड़की में मच्छरदानी उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक कोच में 9 विंडो कूलर लगाए गए हैं। सभी कोच में पानी और बिजली की सुविधाएं भी दी गई है। शहर में दिन ब दिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अब की बार रेल प्रशासन ने मनपा को कोविड केयर सेंटर इसका निर्माण करने के लिए रेल के 11 कोच दिए, जिसके अंदर 176 बेड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम भीतर आ चुके हैं। यहाँ पे जो विंडो है इसको एक ऐसी जाली लगाई गई है ताकि कोई मच्छर या बाहर के कीड़े ना आ पाए। ठीक उसी तरह से कूलर का भी इंतज़ाम किया गया है। तो वहीं आप थोड़ा पैन करके इधर बताइए कि देखिए इस तरह के ये बेड सजे हुए हैं और गीला कचरा, सूखा कचरे की टोकरी भी वहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये पूरा यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे रेलवे प्रशासन द्वारा किया गया है और मनपा को यह हैंड ओवर किया गया है। और इस समय में हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि देखिए किस तरह से 176 मरीजों के लिए बेड यहाँ पे लगाए गए हैं। हम थोड़ा आपको बता दें कि आगे के वहाँ पे तीन मरीज वहाँ पे इलाज करते हुए नज़र आ रहे हैं आगे के कोच में, जो हम आपको वहाँ तक जाने की हमें अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन 3 मरीजों के ऊपर में इलाज जारी है। ये आइसोलेशन सेंटर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया हुआ है, क्योंकि मरीजों को जिस प्रकार से बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, काफ़ी किल्लत जा रही थी, ऐसे में ये कामकाज किया जा रहा है रेलवे प्रशासन की ओर से। महाराष्ट्र राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन इनके संयुक्त तत्वावधान में नागपुर महानगर पालिका को ये कोविड केयर सेंटर आइसोलेशन का ये दिया गया है। हमने बताया कि 176 मरीज एट ए टाइम यहाँ इलाज उनका हो सकता है। अब हाल फिलहाल में 3 मरीजों का इलाज यहाँ पे जारी है और भी आगे के कोच में किस प्रकार से सुविधा की गई है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आइए हमारे साथ। तो कोविड आइसोलेशन कोच के बाहर हम निकल चुके हैं। अब हम आपको यहाँ के कुछ अधिकारी हैं उनसे बात करवाते कि किस तरह से यहाँ पे सुचारू ढंग से व्यवस्था की गई है, क्योंकि आए दिन पेशेंट को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे है, ऐसी कई घटनाएं हो रही है जिसके चलते महाराष्ट्र राज्य सरकार और रेल प्रशासन इनके संयुक्त तत्वावधान में नागपुर महानगर पालिका को आप देख सकते हैं कि ये वही कोविड आइसोलेशन कोच के नाम से 11 डिब्बे यहाँ पे दिए गए हैं, जहाँ 176 के आसपास मरीज अपना इलाज कर सकते हैं। इस समय में इस आइसोलेशन कोच में तकरीबन 3 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। गट्टेवार जी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे, सर ये बताएं कि जिस तरह से ये आइसोलेशन कोविड आइसोलेशन कोच ये कितना महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। आइसोलेशन कोच है
जैसे महाराष्ट्र सरकार ने हम लोग से कहा कि आइसोलेशन कोच चाहिए, तो हमने एक डॉक्टर कोच और 11 कोच, मतलब एक डॉक्टर कोच भी है एसी वाला और फिर जो डॉक्टर की टीम रह सकती है, और 11 आइसोलेशन कोच दिए हैं जिसमें 176 बेड वो लोग यूज़ करेंगे। इसको फुल्ली रेलवे की साइड से बहुत शॉर्ट टाइम में बना के दिया है, और ये जो बनाया है इसमें कूलर का अरेंजमेंट किया गया है, और आप जैसे जानते हैं विदर में नागपुर में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो इसको ऊपर से भी हमने बोरे लगा के डीप मतलब इरिगेशन सिस्टम से हमने कूल कर रहे हैं उसको, तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत मिनिमम हो जाता है, और वो टेम्परेचर मिनिमम होने के कारण पेशेंट जो है आराम से रह सकता है। सर यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं वो एनएनसी से जो आ रहे हैं कांटेक्ट करके वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं। टोटल कितने कामगार या कितने डॉक्टर की टीम लोग कामकाज कर रही है, कितने कर्मचारी यहाँ पे? मॉर्निंग में जैसे 6 लोग रहते हैं और एक 2 डॉक्टर मेन है यहाँ पे, और 6 डॉक्टर रहते हैं और राउंड द क्लॉक 6-6 लोग रहते हैं, और उसके साथ में नर्सेस भी हैं और वार्ड बॉय हैं, क्लीनिंग स्टाफ है, ये सभी यहाँ पे हैं। पहले रेलवे ने इसके लिए अपना जो टीम था वो लाया था, बट उन्होंने अभी सब एनएनसी को हैंड ओवर किया हुआ है। लेकिन एनएनसी को हैंड ओवर जरूर किया, लेकिन एनएनसी ने ले लिया है इसको? हाँ, एनएनसी ने इसको ले लिया है अभी, और एनएनसी इसमें पेशेंट भी ला रहे हैं इस समय। अभी शायद आपने भी एक फोटो लिया होगा, तो एक पेशेंट अभी जस्ट आया हुआ है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, तो 176 इसमें बेड हैं वो शायद पूरे कवर हो जाएंगे, क्योंकि इस समय प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऐसे समय पे हम लोगों ने जो मध्य रेलवे ने जो कुछ दे सकते थे वो हम लोगों ने अभी डिमांड पे दिया हुआ है। बिल्कुल, आप है गट्टीवार जिन्होंने बखुबीर बेबा के साथ बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से मरीजों के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था की गई। जैसे कि रेल को राष्ट्रीय संपत्ति कहा जाता है, मगर आए दिन रेल प्रशासन के ऊपर भी कुछ प्रश्न चिन्ह से कई कामकाज को लेकर हुए थे, लेकिन अब की बार रेल प्रशासन ने जो काफ़ी अच्छा काम किया है, एक सराहनीय काम मैं इसे कहना चाहूँगा, जो मरीजों के कामकाज आ रहे हैं, ऐसे में जो मरीज काफ़ी प्रभावित हुए थे, जिन्हें आइसोलेशन जिन्हें बेड मुहैया नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन नहीं मुहैया हो रहा था, ऐसे समय में एक समय को मद्देनजर रखते हुए जो कामकाज रेलवे प्रशासन राज्य सरकार इनके संयुक्त तत्वावधान में जो किया गया काफ़ी अच्छा है, और ये वही महत्वपूर्ण ट्रेन है जिस ट्रेन में कभी कभार आप और हम सफ़र करते थे, मगर आज के तारीख में इसका कामकाज मरीजों के लिए किया जा रहा है, और यही काफ़ी अच्छी बात है। इसलिए रेल प्रशासन हो, राज्य की सरकार हो, या मनपा प्रशासन हो, या और जो 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 लोग यहाँ पे पूरी तरह से सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वे सही में तारीफ़ काबिल है, और उनके काम की सराहना होना बेहद ज़रूरी है। अब मरीजों को कहीं भी तकलीफ़ नहीं होगी, अगर किसी को बेड नहीं मिलते हैं या वेंटिलेटर नहीं मिलता या ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वे लोग इसी कोविड आइसोलेशन कोच सेंटर में आके अपना इलाज करवा सकते हैं। कोविड आइसोलेशन कोच सेंटर से कैमरा पर्सन मीनाज खान के साथ संजय मिरे, BCN न्यूज़ नागपुर।